ये देखो चॉकलेट इडली टाइप का बन गया। तभी बारिश इतना जोर से हुआ, हमारे जिम का एक नेक्स्ट न्यू ब्रांच खुला है अभी। सुबह उठते ही मैं एक ग्लास पानी पी लेता हूँ, फिर बैल्कनी में जितने सारे पेड़ पौधे हैं उनको चेक कर लेता हूँ। तो ये है आज का मॉर्निंग फिजिक। एवरीडे मैं सुबह उठता हूँ, ठीक लग रहा है क्या? हाँ, तो एक बार मैं अपना फिजिक चेक कर लेता हूँ, बिकॉज एवरीडे आपका फिजिक चेंज होते रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा, प्रोग्रेस देखना पड़ेगा। आप मैंने चीज नोटिस किया है कि जब आप उठने के बाद एक मील ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी प्री वर्कआउट मील लेने वाला हूँ, तो उसके बाद ये थोड़ा मुझे बेटर फील होता है। फिर मैं वार्म अप कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो टाइटनेस है थोड़ा आ जाता है, अभी ये थोड़ा लूज फील हो रहा है। मैं अपना प्री वर्कआउट मील फ्रिज से निकालना भूल गया था। रात को मैंने कार्ब्स ज्यादा खाया था, मतलब काफी ज्यादा खा लिया था, तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 72.05। नॉर्मली सुबह मेरा 71 के आसपास रहता है, और बॉडी का जो कंडीशनिंग है थोड़ा, बॉडी कंडीशनिंग मुझे लगता है ठीक है, बट वेट आज थोड़ा ज्यादा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 68 तक पहुंच जाऊं, तो बॉडी जो है सिक्स पैक्स अच्छे से विजिबल होंगे। इस प्लांट को बोलते हैं मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, इस पे एक नया पत्ता आ रहा है, और ये वन ऑफ द मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है, एक बोनसाई है। ये है आज का जिम का गेटअप। वैसे लेग है मेरा आज, तो अंदर मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। गाड़ी जो है ना, दो दिन से आई थिंक धोया नहीं किसी ने, बिकॉज वो जितने बजे आते हैं मैं जिम में रहता हूँ, तीन चार दिन छुट्टी है मेरा, तो एक बार मैं जिम जाता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ, तो तीन तीन घंटा मैं जिम में रह जाता हूँ। तो और लो अचीवमेंट, माइलेज है 14.6। जिस दिन मुझे 14 से ज्यादा माइलेज मिल जाता है ना जिम आते टाइम, में बहुत खुश होता हूँ। एक्चुअली आज क्वाड है, लेकिन मैं देखा कि हमस्ट्रिंग से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वार्म रहता है मेरा लेग अच्छा, और उसके बाद क्वाड्स अच्छे होते हैं, तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ ये मशीन जो मैंने अभी जस्ट कर रहा था, रिवर्स कर्ल या सीटेड कर्ल ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो सबसे अच्छा रहता है। मॉडरेट वेट पे मैं 15-20 रिपीटेशन देता हूँ। ड्यू टू गणेश पूजा और समथिंग आज जिम खाली है, तो इट्स ईजी फॉर मी टू शूट। आई थिंक आप में से सब लोग टॉम प्लाज को ही जानते होंगे। टॉम प्लाज अगर नहीं जानते हो गूगल पे सर्च करो। ही वॉज वन ऑफ द गोल्डन एरा टॉप टीयर बॉडी बिल्डर। तो थिंग अबाउट टॉम प्लाज इज दैट हिज लेग्स वर क्वाइट गुड, और उनका साइज बहुत कम था, 5'3" या 5'4" के आसपास कुछ होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ही वॉज ए स्मॉल मैन। बट डिस्पाइट बिंग वेरी स्मॉल एंड जेनेटिकल देखो 6 फीट के बंदे के साथ अभी उतना स्ट्रेंथ आप कंपेरेबल नहीं होगा एक 5'4" का बंदे का, बट स्टिल ही वॉज अमंग द टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स ऑफ मिस्टर ओलंपिया, एंड ही वॉज कॉल्ड द क्वाड फादर, मीन्स हिज क्वाड्स वर ह्यूज। तो मैं ना इस तरह के बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्मॉल मैन, 5'7" का हूँ मैं, और जेनेटिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं उन टाइप के लोगों को देखता हूँ जो मेरे कैटेगरी में आते हैं। वो ज़्यादा हैवी नहीं जाते थे बिकॉज ही कैंट, उनका उतना स्ट्रेंथ नहीं था, बट वो शोल्डर विड्थ पे लेग को रखते थे, क्वाड के लिए बोल रहा हूँ, स्लाइटली आउटवर्ड टो, और बहुत ही स्लो करते थे, लाइक ऊपर से नीचे जो पार्ट है ना वो 3 सेकंड में जाते थे फिर पुश करते थे, एग्जैक्टली वो टेक्निक मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो ये था आज का वर्कआउट। आज मैंने लेग्स किए, और गणेश पूजा की वजह से जिम पूरा खाली खाली था, तो जल्दी जल्दी हो गया, और लेग के बाद मैं सोचा था 2 चेस्ट का एक्सरसाइज दूंगा, बट बीच में थोड़ा बात बात कर लिया तो थोड़ा टाइम चला गया, और गाड़ी भी धुलवाना था, और वो जो गाड़ी वाले भैया हैं वो बोले कि आधे घंटे में आ जाओ, तो मैंने चेस्ट का बस एक फ्लाई दिया, तो प्रीटी मच इट वाज अ गुड वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट मील सुबह जो प्री वर्कआउट खाया था वही है, क्या है मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, अब देख लेना, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, बट इसमें एक मुझे इनोवेशन सूझा है, अभी दिखाता हूँ क्या है। ये देखो चॉकलेट इडली टाइप का बन गया, अब इसको खा के देखते हैं।
तो नहा धो के मैं रेडी हो गया। अपने फैमिली में पूजा है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे। कुर्ता पहनने का मन था लेकिन कुर्ते में मैं घुस ही नहीं पाया। मुझे प्रसाद लेके जाना है, फाइनली मिल गया। इतना भीड़ था, पसीना छूट गया। लो आप खुद ही देख लो आगे का कंडीशन। रस्तों में मैंने इतने सारे नदियों को क्रॉस करने के बाद जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा तभी बारिश इतना जोर से हुआ, कार से उतरते ही जितना हेयर ड्रायर मार मार के मैंने मस्त वाला हेयर स्टाइल बनाया था सारा चला गया। ये देखो, ये अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये शाम का कंडीशनिंग है मेरा। अभी भी लग रहा है मुझे कि काफ़ी टाइट फील हो रहा है। दिन में मैंने आज सिर्फ प्रसाद खाया था मंदिर का और 2 स्कूप हुए 40 ग्राम ओट्स, फिर 1 केला, 1 स्पून पीनट बटर, क्रिएटिन, अभी कॉफ़ी पीऊँगा, फिर एक दूसरा जिम है, मतलब हमारे जिम का एक नेक्स्ट न्यू ब्रांच खुला है अभी, उसको चेकआउट करने जाऊंगा। अगर वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छा होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जिम से वहाँ स्विच करूँगी, बिकॉज अपना जिम बहुत क्राउडेड फील हो रहा है अभी। इन दोनों को ना देखिए मैक्सिमम कवरेज है, फ्लोर देखिए क्या कौन फायदा, लाइटिंग वाला दिसला प्लस इक्विपमेंट भी रहला। ये इनका 4th जिम है, जिस जिम में मैं जाता हूँ ये उसका 4th ब्रांच है। इस ब्रांच में अच्छा क्या है, स्पेस इज ओके, ठीक है स्पेस यहाँ पे, बट थिंग इज दैट यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छा है। डंबल सेक्शंस यहाँ पे है, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे ये थोड़ा बड़ा था ये जगह। मुझे घर में पहनने के लिए एक शूज क्या बोला चप्पल चाहिए था तो मैंने ले लिया। अभी सब दे दूँगा।